अब बताइए कि आप चोर को ही आप जो है जांच का जिम्मा दे देते हैं। जिस डीपीओ ने पैसा गबन किया, जिस डीपीओ ने घोटाला किया, उसी डीपीओ को आप कहिए जांच प्रतिवेदन दीजिए, वो जांच क्या करेगा? बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दे दिया जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि विभाग का क्या होगा। वो वन मैन आर्मी लगते हैं, जब तक खाते में नहीं जाएगी तब तक यह अनवरत आमरण अनशन चलते रहेगा। मैं उसको यह मंच से कहना चाह रहा हूँ, जो खुले मैदान में आ गया हूँ, लड़के देख लो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये प्रतिमा स्थल है और इसी स्थल पर विगत 5 दिनों से परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ विभिन्न मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे हैं। ये तमाम शिक्षक अपने मांगों को लेकर आज विराट रूप में यहाँ दिख रहे हैं। जहाँ हड़ताल के रूप में आमरण अनशन है, तो वहीं पदाधिकारी किस प्रकार से संवेदनशील है ये भी आप समझ सकते हैं। आइए हम आपको सीधा सीधा बात करवाते हैं अनशनकारियों से, और साथ में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, उन लोगों से भी हम जानकारी आपको अपडेट कराते हैं। आखिर प्रदेश अध्यक्ष को क्यों यहाँ आना पड़ा है, इन तमाम बातों की जानकारी हम लेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल मिथिला दस्तक पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कारण है जो आपको पटना से चलकर मधुबनी की धरती तक आना पड़ा है? हमारे मधुबनी ज़िले के साथियों की समस्या पूर्व से ही हमारे संज्ञान में है, और इसके लिए मैंने भी अपने स्तर से लिखित रूप से शिकायत दर्ज करा दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब बहुत ही गंभीर मामला है यहाँ कि मधुबनी ज़िले में, यहाँ इतना बड़ा ज़िला है, इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ लगभग 15,000 टीचर होंगे, और इतने शिक्षकों को जो कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में जो राशि जाती है उसके लिए निदेशालय ने पैसा स्वीकृत किया। हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ईपीएफ का लाभ हम लोगों ने प्राप्त किया है, और सितंबर 2020 में इसे लागू किया गया। सितंबर 2020 से जो पैसा जमा करना था, तो उसके बाद फर्दर 14 महीने तक जो राशि आई उसमें मात्र 5 महीने का इन्होंने पैसा जमा किया, और 9 महीने का जो ईपीएफ का पैसा वह कहाँ चला गया, यही सवाल लेकर के बैठे हमारे शिक्षक। और इसके लिए बार बार इन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि हम लोगों के ईपीएफ के खाते में वह 9 माह की राशि आई नहीं। पैसा तो आखिर निदेशालय से मिल गया, यहाँ तो निदेशालय से पैसा मिला 14 माह का, और हमारे अकाउंट में गया 5 माह का। और ईपीएफ का नियम है कि आप सैलरी कभी दीजिए, कभी भी दीजिए, लेकिन जो ईपीएफ का जो खाता है उसमें हर महीने जो सरकार का या नियोक्ता का जो अंशदान है वो आपको जमा करना है, बाध्यकारी है। अगर विलंब होता है तो पेनाल्टी के साथ विथ इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ेगा। इतने सख्त प्रावधान के बावजूद ये 9 महीने की राशि ये लोग खा गए, ये अब और बढ़ गया, अब 13 महीने का हो गया बता रहे हैं। तो इतना अब ये 13 महीने की राशि जो है, यह ईपीएफ में प्रत्येक महीने नियोक्ता 1900 रुपया प्रत्येक महीना जो दे रहा है, तो आखिर ये पैसा कहाँ गया? प्रति टीचर 1900 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए करोड़ों रुपए हैं, और ये करोड़ों रुपए का विचलन किया गया, और इस राशि का हिसाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और शिक्षा विभाग के यहाँ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं हनक दिखाते हैं, जब कोई इनके पास जाता है तो ये तुरंत उसके विद्यालय की जाँच करो, तो आपसे हम बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी हूँ, मुझे जो मन में आएगा हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप तो यहाँ पर हिटलर बनकर बैठे हैं, ब्रह्मा जी हैं, आप जो कहेंगे वही चलेगा। जो शिक्षक यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, इन शिक्षकों के वाजिब सवालों का उत्तर देने के बदले आप यहाँ निरीक्षण करा रहे हैं। जब जान रहे हैं कि जो शिक्षक यहाँ अनशन पर बैठा हुआ है छुट्टी लेकर के फिर भी आप वहाँ जा रहे हैं, यह व्हिसिल ब्लोअर एक्ट भी है, माननीय डीओ साहब आप इस बात को समझ लीजिए। व्हिसिल ब्लोअर एक्ट बना हुआ है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपको न्यायालय में खड़ा करा के नंगा खड़ा करा देंगे। परिवर्तनकारी शिक्षक उनको नहीं जानते हैं, और यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं इतने असंवेदनशील कैसे हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये IAS यहाँ के जिला पदाधिकारी, और इनके नाक के नीचे शिक्षक बैठे हुए हैं और फिर भी ये नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है ये भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ मैं जा रहा हूँ पटना, कल तो रविवार है इसके बावजूद कल शिक्षा मंत्री से मैं मिलूंगा और इस मुद्दे पर, और बड़ी प्रशासनिक जाँच की मैं मांग करता हूँ, प्रशासनिक इसकी जाँच हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी जाँच नहीं करेंगे। जब DO के यहाँ शिकायत आती है तो DO क्या करते हैं कि DPO को लिखते हैं। अब बताइए कि आप चोर को ही आप जो है जांच का जिम्मा दे देते हैं। जिस DPO ने पैसा गबन किया, जिस DPO ने घोटाला किया, उसी DPO को आप कहिए जांच प्रतिवेदन दीजिए, वो जांच क्या करेगा? जब आप चोर को ही आप पहरेदारी का जिम्मा दे दीजिएगा, वो क्या पहरेदारी करेगा? यह समझ से परे बात है, इसकी प्रशासनिक जाँच होनी चाहिए। और ये जो पत्राचार कर रहे हैं कोई बेवकूफ़ नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो पत्राचार कर रहे हैं DO साहब, इनके पत्राचार के पीछे एकमात्र मंशा है कि भविष्य में कोई सवाल आए तो हम उस सवाल का जवाब यह देकर कहें बच जाएं,
कि हमने तो पत्र लिखा था, हमने तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। अरे स्पष्टीकरण मांगा तो सही समय में अगर आपको जवाब नहीं आया तो फिर आपने फर्दर क्या कार्रवाई की? आप ये जो सोच रहे हैं कि ये आप लोग का जो गठजोड़ चल रहा है प्रशासनिक पदाधिकारियों का, इसको हम लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको बेनकाब कर देंगे। और हमारे किसी शिक्षक के साथ यदि आपने अगर कोई कार्रवाई की जो यहाँ धरना प्रदर्शन पर है, तो आप सीधे सीधे हमसे टकराने के लिए हम आपसे तैयार हैं। आप इसके लिए चाहे जैसे आप परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का इतिहास भूगोल इनको शायद नहीं पता है। हम हर साल कुछ न कुछ पदाधिकारी चले जाते हैं और इनको भी जाना पड़ेगा यहाँ से। इनका पूर्व का जो सेवा इतिहास है वो बहुत गलत है। ये बेगूसराय में थे, वहाँ भी ये DPO के पोस्ट पर थे और वहाँ पर भी स्थिति ऐसी बनी थी कि शिक्षक लोग इनको मारने पीटने पर उतारू हो गए हुए थे इनके चाल चलन के कारण से। और ऐसे लोग पदाधिकारी बने हुए, बहुत दुर्भाग्य है इस राज्य का। और शिक्षा मंत्री जी सोए हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी को ही मैंने लिखित कंप्लेन दिया था। अब हम लोग जाते हैं, इस पर हम आगे बात करते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, आप तमाम मीडिया के साथियों को साधुवाद है कि आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ को मजबूती से आप रख रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आखिर वो कहाँ सोए हुए हैं कि ये शिक्षक लोग सड़क पर हैं और आप सोए हुए हैं चैन की नींद में? या कैसे चलेगा? यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से लोगों को पूछना चाहिए कि आखिर ये लोग क्या कार्रवाई करें। निश्चित रूप से इसका नुकसान हमारे शिक्षकों को होगा और अगर ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो इससे मनोबल भी बढ़ेगा। और हम तो यह समझ रहे थे कि अगर शिक्षक लोग बैठे हैं तो यहाँ का प्रशासन निश्चित रूप से संज्ञान लेगा, सुशासन की सरकार चल रही है, बिहार के मुखिया सुशासन बाबू हैं, तो सुशासन में तो हम उम्मीद रखते ही हैं कि हाँ निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिले। अब न्याय जब नहीं मिला है तो मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा कि अगर मधुबनी के लोग नहीं सुनेंगे तो आखिर इनकी आवाज़ बनके तो पटना तक हमको पहुँचना पड़ेगा ना। फर्दर अगली कार्रवाई क्या होनी? अब आज तक नहीं सुनी गई है तो आगे की कार्रवाई किस प्रकार की होगी? हम कल शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और शिक्षा मंत्री जी से इस पर हम गंभीरतापूर्वक बात करते हैं और शिक्षा मंत्री जी के निर्णय के बाद उनके स्तर से क्या कार्रवाई होती है वह देख लेते हैं और उसके बाद में फिर जैसा होगा फिर हम लोग आगे का स्टेप लेंगे। और निश्चित रूप से चूंकि कल तो रविवार है इसलिए सचिवालय बंद है, आज भी सचिवालय बंद है, नहीं तो मैं अभी प्रधान सचिव से यहीं से बात करता, तो सोमवार को निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि प्रधान सचिव से मिलकर इस बात को उन तक पहुंचावें। और यदि ये लोग मानेंगे तो ठीक है और नहीं मानेंगे तो फिर इस मामले को जिस स्तर तक ले जाना होगा हम लड़ेंगे। न्यायालय भी है, न्यायालय का रास्ता बंद नहीं है, ऐसे लोगों को हम नंगा खड़ा करा देंगे। और ये धमकी उमकी दे करके हमारे शिक्षकों को फोटो दे करके और उनके विद्यालय में छापा मारते हैं, इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ये बहुत छोटे लोग इस तरह की हरकत करते हैं, बड़े लोग ऐसी हरकत नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि को इन लोगों को अपना दिमाग अपनी सोच को थोड़ा विस्तृत करना चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं, ये बदले की जो भावना है, रिवेंज इज द पूरा डिलाइट ऑफ लिटिल माइंड्स, जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं उनके मन में यह प्रतिशोध की भावना होती है, ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं कि आप हमारे जो है भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करिए। कितने दिन छिपे रहोगे छज्जे के यार में, एक दिन आना होगा खुले बाजार में, आपको तो आना होगा खुले बाजार में। कितने दिन तक छुपे रहोगे छज्जे की छाव में? तो इस प्रकार के बातों को लेकर के राज संघ आज यहाँ मधुबनी की धरती पर पहुँचे हैं और तमाम तरह की बातों को जानकारी दिए हैं। जैसा पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर शिक्षक हैं तो वहीं आमरण अनशन के रूप में पदाधिकारी के विरुद्ध अपना बिगुल फूके हुए हैं। हाँ, इनके अधिकारों का हनन हो रहा था, 13 महीने से EPF की राशि इनके खातों में जमा होनी चाहिए थी, इनके खातों में राशि जमा न होकर के पता नहीं वो राशि किस प्रकार से और कहाँ है। ये तमाम तरह की बातों को लेकर के शिक्षकों में बहुत दिनों से जो रोष थी, बहुत दिनों से जो उहापोह की स्थिति थी, वो आज धरना के रूप में दिख रही है। क्या नाम है सर आपका? रंजन कुमार ठाकुर, जिला संयोजक परिवर्तनकारी शिक्षक संघ जिला के मधुबनी। क्या मान के चले हैं कि लगता है कि आप लोगों को आमरण अनशन अंतिम दिनों तक रहना पड़ेगा क्या? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक EPF की राशि जितनी भी कटौती हुई है वो जब तक खाते में नहीं जाएगी, तब तक ये अनवरत आमरण अनशन चलते रहेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। एकदम डट गए हैं? जी डट गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कपिल कुमार, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ मधुबनी। तानाशाह DO ने मेरे स्कूल को निरीक्षण करके मेरा वेतन और प्रभारी प्रधानाध्यापक का वेतन स्थगित अगले आदेश तक कर दिया है। मैं उसको यह मंच से कहना चाह रहा हूं, जो खुले मैदान में आ गया हूं, लड़के को देख लो। इसी बात को कहते हुए मैं अपने, तो आप देख सकते हैं 5 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, तो स्थिति तो गंभीर हो चुकी है। हम जानकारी लेंगे कि आप लोगों की जो मॉनिटरिंग करने वाले पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके माध्यम से किस प्रकार की संदेश आई है? अभी तक जो भी हमारे मॉनिटरिंग के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं, जो कि उसमें DO साहब खुद हैं।
शोभा का बढ़िया पदाधिकारी हैं, उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हीं के वही यही उन्हीं को बनाया वही डिपुट है यहाँ जी, उन्हीं को बनाया गया। ये कैसे होगा? अब ये तो विभागीय है ना, इससे जान सकते हैं कि आप एक चोर को ही न्याय का न्यायालय में बनाया गया, जिनको फैसला कीजिए वो क्या फैसला करेंगे? यानी बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दे दिया जी? जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि विभाग का क्या होगा, वो वन मैन आर्मी लगते हैं, वन मैन आर्मी है। जी उनको इस बार पता चला देंगे, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ उनको पता चलाएंगे कि आप क्या हैं, आपकी औकात क्या है, आपको इस बार दिखाएंगे DO साहब, जो आप वन मैन आर्मी की बनते हैं ना वो दिखा देंगे आपको, जमीन में गाड़ देंगे आपको, जमीन में गाड़ेंगे। इसके लिए हमें जान क्यों नहीं देना पड़े, कुर्बानी क्यों नहीं देना पड़े, लेकिन देंगे इस बार। बता रहे कपिल जी हमारे स्कूल में जो हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश निकाला गया, तो हो सकता है कि और लोगों के विरोध किया जाएगा, तो ऐसे में तो आप लोगों में फूट हो सकती है। इसी फूट के लिए, इसी डर के चलते वो चाह रहे हैं किसी तरह ये कमजोर हो आंदोलन, ताकि हम वन मैन आर्मी की तरह जिला में रहें। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ये बहरी तो है ही, अंधी भी हो चुकी है, ये क्या कहते हैं DO साहब अंधे भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि कपिल जी के साथ साथ मेरा भी स्कूल का निरीक्षण करवाने का ये कोशिश किए हैं, जहाँ तक एक महिला है पिंकी कुमारी नहसा की, उनके स्कूल का निरीक्षण कर दिया गया है और उनका वेतन भी रोक दिया गया है। आपके बदले उनका हो गया? उनका हो गया, क्योंकि कल जुम्मा था, मेरा स्कूल बंद था, जिसके कारण वो स्कूल बंद हो चुका। आइए हम आपको बात करवाते हैं परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष से, जो आप लोग भूख हड़ताल पे हैं, अब तक पाँच दिन बीत जाने के बाद भी किस प्रकार की कार्रवाई पदाधिकारी द्वारा की गई है? लेकिन संतोषजनक बात नहीं होती है, एक बार संतोषजनक बात भी हुई तब जब लिख के देने की बात आई, जो लिख के दीजिए और प्रतिलिपि जो है DM साहब और DD साहब को दीजिए, ठीक है, तो लिख के देने से भाग गए, दोबारा नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है। और जब तक मेरी चार मांग है, मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग डटेंगे रहेंगे, मर जाए चाहे जो हो वो प्रशासन के जिले जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे। आखिर कैसे क्यों ऐसी नौ बताई है? हमारे साथ में चार संगठन, पांच संगठन साथ में दे रहे हैं, ऐसी नौबत इसलिए आई है कि EPF के जो ऐसी खात, देखिए मेरा टीचर है बहुत सारा मरे हैं बीच में, ऐसी उसके साथ हुआ है जो कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्यों उसका तो पैसा तो कट गया लेकिन उनके खाते में राशि नहीं गया, तो उनको तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। आप समझिए इसका कितना बड़ा धोखा दिया है पदाधिकारी लोग। अब तक पाँच दिनों से ये हड़ताल जारी है, आप लोग देखते रहिए, हम आपको यहाँ की अपडेट देते रहेंगे। और जिस प्रकार से इन लोगों की मांग है, जहाँ EPF की राशि 13 महीनों से इनके खातों में नहीं जमा की गई है, इन मुद्दों को लेकर के शिक्षकों में भारी आक्रोश है, और इसी आक्रोश को लेकर के आप देख सकते हैं जगह जगह से शिक्षक आए हुए हैं, और शिक्षक संघ जो बहुत सारे मधुबनी में शिक्षक संघ हैं, वो तमाम शिक्षक संघ अब इन लोगों को साथ देने के लिए आगे आए हैं। तो वैसे में SC ST शिक्षक संघ है और सारे शिक्षक संघ हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि शिक्षकों की जो मांग है वो कितना उचित है, कितने न्याय संगत है, जबकि इनके अधिकार का जो अंश है EPF राशि वो इनके खाते में जमा होना चाहिए, न कि कहीं और जगह पे जमा है या कहाँ है। जांच होनी चाहिए कि आखिर राशि अब तक इनके खातों में जमा क्यों नहीं की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज, हम आपको देते रहेंगे तमाम अपडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।